बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ऑफिस ऑटोमेशन में होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के बारे में कुछ ख़ास पढ़ने जा रहे हैं। काइंडली आप लोग इन्हें देख लें, गौर से सुन लें। समझने से, लिखने से, पढ़ने से समझना ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप इन्हें समझने की कोशिश कर लें। देखते हैं, हमारे पास जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हो तो आपके पास एक बुक यहाँ पे अपीयर हो जाती है। बुक के अंदर हमारे पास शीट होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास क्या वहाँ पे होया करता था, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होया करती थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पुराना नाम है स्प्रेडशीट। और ऑफिस 2016 हो, 13 हो, 10 हो, यहाँ पे 2007 हो, इन सब के एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, XLS, ये इसकी एक्सटेंशन है हमारे पास। ये ऑफिस 2016 की, 2013 की, 2010, 2007, उससे पहले हमारे पास इसकी एक्सटेंशन क्या हुआ करती थी, XLS। ये हमारे पास ऑफिस 2003, ऑफिस 2000, ऑफिस 97, उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्सेल का जो पुराना नाम था लोटस 123 के नाम से जाके मशहूर था, जिसकी एक्सटेंशन हमारे पास 123 थी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक बुक में एक ही शीट है, मैक्सिमम कितनी शीट हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। फाइल में जाए, ऑप्शन में जाए, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे 255 शीट तक जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं अब ट्राई करना चाहूँ 256 की, तो शायद ये ना बने। यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, द एंट्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 255। तो 255 से ज़्यादा शीट इंक्रीज नहीं कर सकते। जब मैं इसे यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, तो आप कंट्रोल एन से जब भी आप यहाँ पे न्यू यहाँ पे पेज खोलोगे, सॉरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करोगे, तो आपके पास 256 शीट्स आ जाएंगी। मैं शीट को यहाँ पे ले जाता हूँ 256 तक, देखते हैं। अब यहाँ में हमारे पास 256 पेज तक, यहाँ पे शीट तक आ जाएंगे। अब ये है कि हमारे पास 256 पेज से के आगे और भी शीट्स इंक्रीज हो सकते हैं या नहीं। जी मेरे भाई, अगर आपके पास हो भी, आप शीट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करेगा अपन योर मेमोरी, आके मेमोरी के ऊपर जाके डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट F11, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की है शिफ्ट F11, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके F11 यहाँ प्रेस करता हूँ, कितनी शीट्स हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जितनी आपके पास यहाँ पे मेमोरी साइज होगी, उतनी आप शीट्स जनरेट कर सकते हो। तो अब आते हैं यहाँ पे कुछ, हम लोग यहाँ पे कुछ जानकारी हासिल करते हैं एक शीट के। ये तो मेरे पास कितने हुए यहाँ पे, तक लमसम 470 शीट्स अभी मैंने यहाँ पे क्या कि इंसर्ट किए हैं। मैं इसे यहाँ पे ऑप्शन में आकर के इन्हें भी यहाँ पे वन कर लेता हूँ, ओके करके इसे कंट्रोल W से एक्टिव पेज को क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल N कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि इसी में आकर के काम करते हैं। अभी एक शीट की जानकारी रख रहे हैं। एक शीट हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। ये शीट हमारे पास एक टेबल नुमाजा की बनी हुई है, इसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसे स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं, आज इसके बारे में भी जानते हैं। ये मेरे पास कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स A, B, C, D, E, F, अगर मैं जाऊँ तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या रहे, मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं, रोज़ भी इतने हैं। अब मैंने अगर लास्ट रोज़ तक जाना हो, लास्ट कॉलम तक जाना हो, तो ये अब क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके एरो कीज आपके पास होंगे, डायरेक्शन की, जिसे डायरेक्शन या एरो कीज कहते हैं कीबोर्ड में, आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस कर ले तो लास्ट कॉलम तक चले जाओगे। लास्ट मेरे पास कॉलम क्या है, XFD। अब XFD की मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे मालूम कर लूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें। वापस कंट्रोल लेफ्ट एरो,
तो सबसे पहले आते हैं कॉलम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे, ये मेरे पास हेडर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स के हेडर्स आ रहे हैं, ये रो के हेडर्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रो के एक हेडर वन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इट मीन सारे कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा फिल में, यहाँ पे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फिल में आना पड़ेगा सीरीज। सीरीज में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वन और मैं वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास रोज आ रही है लाइन सीरीज में। कुछ भी नंबर टाइप कर ले, कुछ ज़्यादा टाइप करे तो मैं देखता हूँ कितने मेरे पास यहाँ पे, सॉरी वन टाइप करके कुछ टाइप ही नहीं किया था। अब सीरीज पे आते हैं, यहाँ पे नंबर्स टाइप कर ली, ओके कर ली। अब कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस कर ली तो 16384 मेरे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं। अब रोज कितने आ रहे हैं, रोज तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, इन कॉलम्स को अगर मैं यहाँ से ना देखूँ तो आप ऐसे भी मालूम कर सकते हो, फाइल में आ जाए, ऑप्शन में आए, ऑप्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे फार्मूला, फार्मूला में मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, फार्मूला टैब लेफ्ट पैनल में, फार्मूला टैब यहाँ पे आर वन सी वन क्या रो वन एंड कॉलम वन रेफरेंस स्टाइल, ओके कर लें। तो ये ए बी सी मेरे पास कन्वर्ट हो चुकी है 1 2 3 में। अब कंट्रोल राइट एरो प्रेस कर लें तो 16384 मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं, 16384 कॉलम्स आ रहे हैं। अब रोज़ कितने होंगे, कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो कर लें, 10,48,576 मेरे पास रोज आ रहे हैं, कंट्रोल अप एरो। अब स्प्रीड, इसे हम स्प्रेडशीट कैसे कहते हैं इसकी जानकारी अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक। अभी अभी जाके इसके बारे में कुछ आगे देखते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे रोज कॉलम मालूम करने के लिए इसका एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू रोज पैरेंथेसिस स्टार्ट, रोज को माने कर दे, रोज को मालूम करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर ले, देन इंटर 10,48,576 ये मेरे पास रोज आ गए। अच्छा, मैं ये 1 2 3 को ए बी सी में वापस कन्वर्ट कर लेता हूँ ऑप्शन, देन फार्मूला यहाँ से चेक बॉक्स से चेक हटा दे, ओके। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स मालूम करना चाहता हूँ, सी ओ एल यू यू एम एन एस पैरेंथेसिस डॉट्स। यहाँ पे कॉलम्स को मालूम करने के लिए आप किसी भी रो के हेडर के ऊपर क्लिक कर लें, देन इंटर 16384 मेरे पास आ जाएंगे। अब आते हैं कि मेरे पास एक शीट में, एक शीट में मेरे पास कितने पेजेस होते हैं, बल्कि सबसे पहले हम सेल के बारे में देखते हैं। इस एक एक ही खाने को जाके सेल कहते हैं। अब इसमें सेल कितने हैं मेरे पास, तो क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ रोज, रोज को आप जाके डिवाइड करोगे किसके साथ, कॉलम के साथ। तो देने के पास क्या आएगा, 17,17,98,69,184 इतने सेल्स आएंगे। अब मेरे पास एक शीट में कितने पेजेस आएंगे, तो पहले एक पेज को मेंशन करने के लिए, देखने के लिए, तो मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल F2 से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, आई कॉलम तक, इट मींस 9। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप कर लूँ, ठीक, तो मेरे पास कितने 9 कॉलम आ गए। रोज़ कितने आ गए, छोटे से बॉर्डर नज़र आ रहे हो के पास, मेरे पास रोज़ 47, एक पेज में मेरे पास 47 यहाँ पे क्या आ रहे, रोज़ आ रहे और 9 कॉलम आ रहे हैं। तो आते हैं शीट के ऊपर, कुछ लिखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन वन शीट। एक शीट में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, 16,384। और यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज इन वन शीट, नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक शीट में कितने थे, 10,48,576। अब यहाँ पे चेक करते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन वन शीट, एक शीट में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, वो मेरे पास थे 17,17,98,69,184 सेल्स थे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स
within one page. एक पेज में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? 9. नंबर ऑफ रोज इन वन पेज, वो हमारे पास थे 47 रोज थे. अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे सेल्स कितने थे इन वन पेज. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन वन पेज, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास वन पेज में कितने थे? 423. अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस इन वन शीट, एक शीट में पेजेस कितने होंगे? कंप्लीट शीट की आप सेल्स को उठाओगे एक पेज के सेल के ऊपर, जैसे जैसे डिवाइड करोगे, तो देन जितने भी आपके पास वीडियो आगे इतने आपके पास पेजेस होंगे इन वन शीट. तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन वन शीट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन देना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन वन शीट मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन वन पेज. तो मेरे पास लमसम 4 करोड़, क्या कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बाई 4,06,14,347 पेजेस आते हैं, ये सिर्फ एक शीट के अंदर. तो क्या हम लोग इन्हें स्प्रेडशीट कह सकते हैं? नहीं. एक पहला हुआ शीट, तो ये हमारे पास एक पहला हुआ शीट है. यहाँ पे यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं अगर आप लोग किसी भी टेस्ट इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हो, लाइक यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, किसी असिस्टेंट जॉब के लिए, ऑफिस मैनेजर जॉब के लिए, कोई भी ऑफिशियल जॉब हो, कोई भी ऑफिस वहाँ पे आपके पास हो, ठीक है, वैकेंसी आई हो, तो उसमें जाके पूछा जाता है इन चीज़ों के बारे में. तो कोशिश कर लें, इन्हें सीख लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. अस्सलाम वालेकुम.